मेरी मारी तूने, अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूँ। अच्छा देख। क्या मारे थे? 30 टिकट मध्य प्रदेश में नेता पुत्रों को दिए, 37 टिकट नेता पत्नियों को दिए, और वंशवाद की बात करते हो? इनका तो एक ही सिद्धांत है अंजना जी, खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को उपदेश। कौन से उपदेश दे रहे हो? आइडल मोड में है, रिपोर्ट कार्ड देखते नहीं है। वो क्यों ना देखे रिपोर्ट कार्ड? आपको रिपोर्ट कार्ड देखकर अरे अंजना जी एक बात बताइए, रिपोर्ट कार्ड पार्टी का अध्यक्ष है ना, जनता के चुनाव से नहीं बनता है, पार्टी के सदस्यों के चुनाव से बनता है। आपको पता है भाजपा और कांग्रेस का संविधान है, ये कोई भारत के संविधान से नहीं चलता। कलम वाली भाई बैठिए। मुझे एक चीज बताइए अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के 3 साल का टेन्योर होता है, टेन्योर ओवर टेन्योर, किस धारा के तहत, किस चुनाव के तहत अध्यक्ष बने हुए हैं? मेरा पिन पॉइंट क्वेश्चन है, आप आपके पास जानकारी हो तो आप बता दीजिए। संबित पात्रा के पास अच्छा, है एक तो बात बताइए, कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता में सफलता को कोई पैमाना मानते हैं या नहीं? मैं यही तो कह रहा हूँ, गुस्साइए मत, मैं गुस्सा नहीं रहा हूँ, डर लग रहा सर आप मुझे बोल रहे हैं। मुझे गुरा अरे क्लोज फ्रेंड साले भिखारी, इससे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि 15 मिनट से आप संबित जी को समय दे रहे हो, वो नहीं बोल पा रहे, आपके दर्शकों का समय खराब हो रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है। करवाली बेइज्जती जी, हम दो लोग ही हैं, शांतिप्रिय तरीके से बात कर सकते हैं, मुझे थोड़ा 10 सेकंड दीजिए। अंजना जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बार बार राहुल गांधी पे अटैक मत करिए, कहीं अगर हमारी बात को मान के और चैलेंज स्वीकार करके ये राहुल गांधी जी को बदला करके कम अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट को बना दिया तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। आप राहुल गांधी जी को रखना प्लीज है। अब सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे, थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे साले जवाब दिया गांधी जी को, बिल्कुल आपने जिन दो नामों का जिक्र किया है वो भी किसी न किसी नेता के सुपुत्र है, जैसे आपकी पार्टी में भी भरे हुए हैं। सवाल आगे ले जा रहा पार्टी में भी संबित जी, आपने कहा 10 सेकंड में जवाब देंगे, ये जवाब दिया आप बोल देखिए, सुनिए आपके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। अमित शाह जी मैं चैलेंज करता हूँ, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है अमित शाह जी अध्यक्ष है, ये लोकतंत्र है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप दूसरों पे लोकतंत्र की बात करते हो, आप क्या राजनीति क्या नहीं हो? राहुल गांधी हमारे यहाँ तो प्लीज राहुल गांधी जी का चुनाव हुआ, मत बनाना, लोगों ने वोट डाला और उनको चुनाव सर, ये मेरा रिक्वेस्ट है, चुन के अमित शाह जी का चुने गए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, लेकिन वो कहते ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो फिर क्या हाथी क्या मोर सब बने गधे के कदरदान। देश बहुत महान एसेट है, मुझे ये बता दीजिए अमित शाह जी कब चुने गए? ये हम चाहते नहीं, उनको हटाना मत, आपको हटाना मत, आप मोदी जी पे अमित शाह पे हमला करो, मगर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ राहुल जी को अध्यक्ष पद से मत हटाना। फिर आपसे भी हाथ जोड़ के अंजना जी, आप स्वतंत्र देश में आपका रेस्पेक्ट बदल दिया, बता दीजिए कि इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया कि नहीं आज, बस मैं आपसे ये चाहता हूँ जवाब ये बता के चाहिए नहीं है, एंड करना कि इन्होंने मेरे सवाल का दूसरों पे सवाल पूछे हो। राफेल के सवालों के जवाब में 42,000 करोड़ रुपया फ्रांस की डसॉल कंपनी को ज्यादा देके आ गए, 30,000 करोड़ का ठेका अपने दोस्त अनिल अंबानी को दे दिया और हमसे सवाल पूछते हो, कुछ शर्म आया है? राहुल गांधी जी फ्रांस कैसे आ गए? संविधान के तहत अच्छा, आज क्या कहा था 45,000 और पहली बार ये 45 कितना होता है? ये तो शायद मेंबर होंगे नहीं भाजपा की नेशनल बॉडी काउंसिल के, इनको शायद पता नहीं होगा, पर नेशनल बॉडी काउंसिल के किन्होंने वोट दिया और कब वोटिंग हुई और उसका कहां मिनट से, मुझे ये बता दो। मैं आपसे पूछता हूँ प्रवक्ता साहब, मुझे बता दो पहले, मुझे ये बताओ मैं कब वोटिंग हुई अमित शाह के दूसरी बार अध्यक्ष बनने का? समझ रहे हो ना, आज बताओ मुझे कि राहुल गांधी ने कहा? अरे भैया मैं तो बोल रहा हूँ, चैलेंज से बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का पीछे वोटिंग हुई कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने गर्व से कहा कि हमें ईमानदार और सत्य बोलने वाले राहुल गांधी जी पे विश्वास है, हमें जुमलेबाजों पे विश्वास नहीं है। तेरा क्या हिसाब है? कुछ नहीं, मैं तो बस मजे लेने आया था, फिर से बेइज्जती हो गई ना आपकी। गजब बेइज्जती है।
हमें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं है जो देश को भ्रमित कर रहे हैं, देश का पैसा लूट के डसॉल्ट को दे रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों को दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं है। अंजना जी, मैं फिर आपसे बोलता हूँ, विनती करता हूँ, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप आज बता दीजिए। बीच में ना बोल, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया कि देव की राजनीति करते हो। मैं तो इतना कहता हूँ, कंफ्यूज राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री ने गंभीर आरोप लगाया है कि राज दरबारी गाते हैं एक ही परिवार के गीत। ये आप पर लगा रहे हैं सीधा आरोप कि आपकी पार्टी दो नेताओं की मुट्ठी में कैद हो गई है। उसका एक कन्विंसिंग जवाब तो दीजिए। देश संकट में है। ये आरोप है कि दो नेताओं की मुट्ठी में हमारी पार्टी कैद हो गई है। बताता हूँ आपको, ये जो दो नेता हमारे हैं, अगर वो डिटरमाइंड है, अगर डिसाइसिव है, डिसीजन और निर्णय लेने की क्षमता है, अगर वो फ्यूज नेता नहीं है राहुल गांधी जी की तरह, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है? अगर वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जैसा कि संजय बारू जी ने मोहन जी के लिए कहा, वो एक परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर है। तीसरी बात है, ये दोनों नेता क्या इनके पिता राजनीति में थे? क्या इनकी माताजी राजनीति में थी? क्या इनका किसी प्रकार का राजनीति से कोई जुड़ाव रहा है? संघर्ष करके दो आदमी अगर यहाँ तक आते हैं, ये गौरव का विषय है, हमें समझना चाहिए। कुछ भी मगर मैं पूछता हूँ, एक परिवार के मुट्ठी में कैद कांग्रेस पार्टी के पास कोई और नेता है? नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, प्रियंका जी के बाद उनके प्यारे प्यारे दो बच्चे, क्या यही कांग्रेस पार्टी है? इंडिया इज इंदिरा, ये क्या मजाक बना के रखा है भारतवर्ष के लोकतंत्र को? वापिस कौन भोंक रहा है ये बदतमीज? बताइए राहुल गांधी को, दूसरा सवाल। अब इन्होंने कहा कम से कम सिंधी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबका नाम। राहुल गांधी जी को मैं ये पूछता हूँ, 45 अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरे भाई, मुझे बताइए के मारे बहुत अच्छा सवाल तो सुनिए भाई, अभी बदत है। अभी उन्होंने कहा नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, सबका नाम लिया। मैं भी कुछ नाम लेता हूँ। विजय राजे सिंधिया की पुत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की बहन यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में मंत्री, ये वसुंधरा राजे का पुत्र दुष्यंत सिंह राजस्थान में एमपी। अरे आप क्या राजस्थान को एक एक परिवार की बपोती मानते हो कि सिर्फ सिंधिया परिवार ही यहाँ पे बन सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ आप कि कौन सा परिवारवाद की बात करते हो? रमन सिंह का पुत्र अभिषेक सिंह एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से, 30 टिकट मध्य प्रदेश में नेता पुत्रों को दिए, 37 टिकट नेता पत्नियों को दिए, और वंशवाद की बात करते हो? इनका तो एक ही सिद्धांत है अंजना जी, खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को उपदेश। कौन से उपदेश दे रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब अनुराग ठाकुर को टिकट मिलता है और वो एमपी बन जाते हैं, जब वंशवादी आदमी आता आपको, जब मुंडे जी से की पुत्री को टिकट मिलता और एमपी बन जाती है, जब वंशवादी आदमी आता आपको, जब आपके लिए सब वंशवाद वो योग्य है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। बोली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I.